सोमवार को बचत भवन शिमला में आगामी विधानसभा चुनावों में कर्मचारियों की पोलिंग बूथ पर नियुक्ति को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनावों के दौरान कर्मचारियों की कैसे नियुक्ति करनी है, कितने कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है सहित अन्य विषयों पर गहनता से चर्चा की गई और वहां मौजूद कर्मचारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। यह जानकारी मीडिया को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पंकज गुप्ता ने दी। जैसे कि आपको पता ही है कि विधानसभा चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं, तो उसमें हमारे को एम्प्लाइज का डाटाबेस तैयार करना होता है जो पोलिंग ड्यूटी पे लगते हैं, जैसे PRO, APRO और पोलिंग ऑफिसर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग स्टाफ। तो उसके लिए हमें डाटाबेस तैयार करना पड़ता है। तो हमारे जितने भी पोलिंग बूथ है सब जगह 4 लोगों की ड्यूटी लगती है, इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग स्टाफ भी चाहिए होता है। तो ये विभिन्न विभागों से DDOs आए थे और इसमें सेंटर के डिपार्टमेंट भी थे, तो उन्हें ये ट्रेनिंग दी गई है कि वो कैसे एंट्री करनी है। और ऑनलाइन एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डाइस वेब, तो ये उनका यूज़र आईडी भी इन्हें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो ये अपने ऑफिस से ही इसमें एंट्री करेंगे और एंट्री कंप्लीट होने के बाद वो डाटा हम यूज़ करेंगे, जिसमें पोलिंग पर्सन के ऑर्डर निकलते हैं, पोलिंग बूथ अलॉट होते हैं और विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं इसमें। और नहीं, ये पोलिंग पर्सन की ड्यूटी लगती है, वोटर लिस्ट का तो इलेक्शन डिपार्टमेंट अलग से कार्रवाई कर ही रहा है बेसिकली, ये जस्ट पोलिंग ड्यूटी पे जो ऑफिसर्स लगते हैं उनसे रिलेटेड था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।